हेलो वेलकम बालो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और क्या आपने कभी अपने स्मार्टफोन में GTA 5 के लिए बिल्कुल भी नहीं खेली होगी। और हर किसी का सपना है कि वो अपने फ़ोन के अंदर GTA 5 खेल सके, लेकिन मैं आज अपने फ़ोन के अंदर GTA 5 तो नहीं, लेकिन जो प्ले स्टोर पर मैंने GTA 5 लिखा और जो सबसे पहली गेम आ गई, मैं उस गेम को खेल रहा हूँ। सेटिंग है जिसमें टच, मीडियम, लो, शैडो क्वालिटी और वो सब है, तो हम इस सब पर ध्यान ना देते हुए हमें बैक करके हम सीधा प्ले करते और देखते ये गेम कैसी है। अभी यहाँ पे ग्राफिक्स तो काफ़ी अच्छे दिखा रहे हैं और थोड़ा बहुत उन्होंने ट्राई किया है कि GTA 5 की तरह लगे, लेकिन देखते खेलते क्या ये गेम उसके जैसी है या बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी इस घर के अंदर आ चुका हूँ और घर के अंदर देख के तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ खास है, लेकिन अभी पहले काम करते घर को एक्सप्लोर करते हम लोग, देखते कि घर में क्या क्या और कैसा है। तो अभी मैं देखता हूँ क्या हम इसको टच कर सकते हैं या इसको खोल सकते हैं। तो इसको ना हम टच कर सकते ना खोल सकते ठीक से। और अभी हम चलते यार सीधे ऊपर चलते, देखते क्या है इस घर में ऐसा। और मैं एक बात तो बता दूँ यार, घर तो बड़ा काफ़ी है लेकिन इतना वो नहीं है, समझ लो। बाकी सब देखो तो कंट्रोल्स मंट्रोल सब अच्छा है, स्मूथ काफ़ी है। और पहले तो यार घर देख के मुझे तो थोड़ा वो हो रहा है, गेम कैसी होगी। तो ये फाइट क्यों करता जा रहा है मुझे पता नहीं चला। मैं इसको भगा सकता हूँ क्या? भगाने वाला बटन तो दिख नहीं रहा मुझे। ओके, ये भगाने वाला या कुदाने वाला वो अभी पता चल जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ घर कैसा है। और यहाँ पे शायद बालकनी है, अभी हम चलते ओके यहाँ पे बालकनी, यहाँ पे बाथरूम है। और ऐसा बाथरूम, इतनी ज़्यादा खिड़कियाँ है बाथरूम के अंदर और हम खिड़की को तोड़ भी नहीं सकते, ना ही हम दीवार को लात मार सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉक्सिंग नहीं करता, लेकिन ओके भागते मुझे आ गया है। तो अभी मैं भाग कर जाता हूँ यहाँ पे। और ये है बालकनी, और बालकनी से नीचे कूदता हूँ यार। बालकनी तो काफ़ी खूबसूरत है और बिल्डिंग्स भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो अभी जल्दी से मैं चलता हूँ नीचे बालकनी से और देखते हैं नीचे उतर के क्या है। और हमारा कैरेक्टर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई मतलब समझ लो ये एंड्रॉयड फ़ोन है और एंड्रॉयड के फ़ोन के अंदर इतनी MB में और इस तरह का मतलब करना वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। अगर GTA से अगर कंपेयर करो तो वो तो बहुत ही बड़ी गेम है और इस गेम के साथ उसका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा ये गेम, लेकिन अगर खेलना चाहो तो खेल सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ाई गई है गेम के अंदर, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन अभी अच्छा है खेलते। अभी मैं इस पर बॉम्ब डाल के देखता हूँ क्या होता है। तो ये मैंने मिसाइल छोड़ी है और अभी ये तो काफ़ी अच्छा जो उसका ग्राफिक्स है वो तो उसमें है, नज़र आ रहा है मिसाइल छोड़ने पर। और मैं अभी जाके देखता हूँ कि कार बची है या उसके बिल्कुल भी पुर्जे उड़ चुके हैं, लेकिन अभी नहीं देखता। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से और जल्द से देखता हूँ कि क्या कोई कार मैं ले पाता हूँ, क्योंकि अपने को भी कार चाहिए यार। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, मैं सिटी तो एक्सप्लोर करूँगा लेकिन वो कार में बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कार तो वो गायब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और सामने एक कार है, लेकिन देखते हो वो हाथ में आती है कि नहीं है। मैं भागता हुआ जा रहा हूँ और अब अगर हाथ में आ गई तो अच्छा, अगर हम उसके अंदर बैठ के एक्सप्लोर करेंगे। और आप देखिए साइड के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है और ये कार तो काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है, ग्रीन कलर की, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ओके, इसमें हम बैठ सकते हैं और अभी मैं बैठ रहा हूँ। सारे के सारे ज़्यादातर आप जो भी देखोगे सुपर कार ही, और वो बंदा वैसे ही पड़ा है। तो अभी हम ड्राइविंग करते हैं। और मैं एक बात तो बोलूँ यार, इसमें वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है जो GTA 5 में आएगा। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड की बात करो, जो कि मैं ये नहीं बोलूँगा जो बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ही खेल सकते हैं, ये कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो बस टच होना चाहिए उसमें, ये गेम आसानी से आ सकती है। और ये बस बहुत ही अच्छी गेम है, स्मूथ भी है। लेकिन अगर किसी को ओपन सिटी गेम खेलने का शौक है या वो खेलना चाहता है, जैसे कि चैलेंज होना चाहिए उसमें और ये टास्क पूरे करने वाली बात होनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ या खेलता हूँ। तो अगर आप लोगों को अगर कमेंट में चाहिए ऐसे गेम्स के लिंक या उस गेम का गेम प्ले चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं उस गेम का गेम प्ले पे वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद जो भी अच्छा होगा वो मैं आपको रिकमेंडेड भी करूँगा। तो अभी हम देखते हैं कार के अंदर बैठ के कि कार कैसे चलती है। मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ और सब स्टीयरिंग वेयरिंग तो सब अच्छा है, लेकिन हाँ कार का कंट्रोल्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। अभी चला कर देखते क्या है।
और कार ठुक चुकी और मैं कार के अंदर से इतना ज़्यादा उछल के पड़ा, पता नहीं कैसे, ये सब यही गेम में होता है, मतलब काफ़ी गेम में ऐसा होता है। तो अच्छा है वैसे अभी, ओके मेरे पास फ़ोन है और मैं अभी कॉल करता हूँ किसी को। तो एक सेकेंड, कॉल तो लग ही नहीं रहा, तो भाई फ़ोन क्यों दिया है और उसमें नेटवर्क भी आ रहा है और नंबर भी है लेकिन नंबर लग ही नहीं रहे। ओके यार एक काम करता हूँ, किसी का भी नंबर नहीं लग रहा अभी, यस का जो भी है देखते यार किसी का लगता है कि नहीं है, सबका ट्राई करते हैं। अभी मैं 100 पे कॉल करता हूँ, देखते पुलिस की गाड़ी आती है। ओके गाड़ी आ चुकी है, तो ये काफ़ी खूबसूरत कार है जो कि पुलिस की है और बेहद ही ज़्यादा पसंद है। इसको एक काम करते हैं अंदर बैठ के देखते हैं ताकि हमें मज़ा आ सके पुलिस की कार के अंदर बैठने का। अभी मैं बैठ चुका हूँ कार के अंदर और कार के अंदर बैठ के थोड़ी सिटी को एक्सप्लोर करते हैं क्या है कैसा नहीं। तो सिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है और कार के अंदर बैठ के मैं देख भी रहा हूँ। और बस एक बात तो बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा सुनी सुनी लग रही है, मतलब इतना ज़्यादा ना इसमें कुछ रस है ना फिर वो बिल्डिंग्स है। तो बस मैं कमेंट जो भी है मतलब गेम डेवलपर उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा खालीपन लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी और गेम को थोड़ा बोरिंग से हटकर बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्टिंग भी बनाना पड़ेगा गेम को थोड़ा, तभी मज़ा आएगा। लोग भी काफ़ी कम है, बस वही 2-4 गाड़ियाँ चलती फिरती दिख रही है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, गेम तो काफ़ी अच्छा स्मूथ भी है चलने में। और अभी मैं बाहर आ रहा हूँ गेम से और अभी मैं फ़ोन के अंदर कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, क्या क्या फीचर्स है और हम फ़ोन से क्या क्या कर सकते हैं सब कुछ ट्राई करेंगे क्योंकि ओपन सिटी गेम है और हमें सब कुछ ट्राई करना और एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी मैं मैप देखता हूँ जो कि शुरू हो ही नहीं रहा, तो सब कुछ जीएसटी की बॉम्ब और कुछ ना कुछ तो अंदर है सब बताया हुआ। तो कैमरा भी ब्लॉक है, सर्च भी नहीं आ रहा, इंटरनेट भी उसमें चालू नहीं हो रहा, बस वही जो चीज़ है जो कॉन्टैक्ट हो रहा है उसमें बस आप जो नंबर लगाओगे उसका कॉन्टैक्ट होगा। अगर आपके पास किसी हेलीकॉप्टर का या ऐसा कुछ नंबर है या कुछ भी नंबर है तो अगर लगाओगे तो वो आ जाएगा। मैंने 108 को कॉल किया लेकिन कॉल एंटेड हो गया और वो गाड़ी या वो दिख ही नहीं रही मेरे आसपास। और ये जो पुलिस की जो ब्लैक थी वो रेड हो चुकी है, तो अब छोड़ते हैं इसको यार, इसमें ऐसा क्या है, इस पर 911 भी लिखा है। अभी मैं चलता हूँ जल्दी से, देखता हूँ ऐसा आगे बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर भी सुनसान लग रहा है, एकदम सूना सूना। कुछ ना कुछ नंबर लगा के देखते उल्टे सीधे, क्या पता कोई किसी चीज़ का नंबर लिखे। एक सेकंड वहाँ पे कुछ था और काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ तो बना हुआ है सिटी में लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्या है। एक काम करेंगे हम उसमें जाएंगे और देखेंगे ये सब क्या है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं कुछ ना कुछ नंबर लग रहा हूँ ताकि कोई कार आ जाए या कुछ भी आ जाए। और अभी मैं देखता हूँ ये कार हमारे हाथ लगती है कि नहीं, कार उसने मुझे ठोक दी और कार तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, एकदम सुपर कार लग रही है। और अब मैं कार में बैठ जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ यार कितना प्यारा शहर लग रहा है। वैसे मैं एक बात बोलूँ, रोड तो काफ़ी अच्छा है और हाईवे भी काफ़ी अच्छा है और फुटपाथ बहुत ही बड़ा बनाया गया है लेकिन फुटपाथ के हिसाब से बिल्डिंग्स या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत ही वो लगाया हुआ है, मस्त लग रहा है ये तो। यहाँ पे कार रेसिंग का ट्रेनिंग का लगाया हुआ है और हम प्ले करते यार से फिर से। और अभी हम मेगा रंप करते, देखते यार मेगा रंप क्या है। मुझे तो यही लग रहा है जिस पे अभी हम ट्राई कर रहे थे, बट देखते क्या है मेगा रंप। तो अभी ये है मेगा रंप, एक सेकंड। ओ क्या बात है, हमारे पास सुपर कार है, अरे सुपर बाइक है। मैं सुपर कार और सुपर कार देख देख के सुपर कार ही बोलते आ गया। अभी मैं सुपर बाइक पे बैठ चुका हूँ और जा रहा हूँ सुपर बाइक लेके नीचे। और अभी मैं यहाँ से कूदूंगा, वाकई में यार बाइक तो काफ़ी खूबसूरत है। बस मैं देख रहा हूँ कि अब क्या होगा, मैंने सोचा था वही हुआ क्योंकि ये गेम के हिसाब से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा उछल के बाहर गिर सकता है तो बाइक पे क्या है। तो यहाँ पे वेस्टेड लिखा है और हम प्ले करते वापस से देखते ऐसी क्या और चीज़ है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं। अभी मैं चैलेंज में जाता हूँ, फन ट्रैक को क्लिक करता हूँ और फन ट्रैक में जाने से क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। अभी फन ट्रैक में मैं आ चुका हूँ। ओके फन ट्रैक मतलब ये रेलवे स्टेशन की बात कर रहा था, स्टेशन की बात कर रहा था। और अभी ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर बैठ सकते हैं क्या, नहीं बैठ सकते यार, ट्रेन तो काफ़ी इंडियन ही लग रही है
और काफ़ी खूबसूरत भी है। लेकिन बैठ सकते हैं ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन के अंदर मैं बैठ चुका हूँ और ये बस पटरी कहाँ तक जा रही है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैं ट्रेन लेके जा रहा हूँ। ओके, ये तो इंडियन स्टेशन है, कल्याण जंक्शन है जो कि मुंबई के अंदर आया है। तो क्या बात है, अभी हमारे आगे जो पेट्रोल के वो होते हैं वो पड़े हुए हैं, ऑयल भरा हुआ पड़ा है बहुत सारे डब्बों में, बड़े बड़े डब्बों में। और अभी ट्रेन चलाते साथ मुझे ये सब उड़ाना है, इसलिए फन ट्रैक नाम पड़ा है, तो इसलिए मैं इसको उड़ाता जा रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस ये करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये गेम में। बाकी चीज़ में मज़ा आया ना आए, लेकिन इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।